हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तंदूर एंड फ्राई किचन और मैं शेफ कादिर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया रेसिपी। आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिल्ली गोभी, जो बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होगा। बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्टी बनकर तैयार होना चाहिए हमारा रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में चिल्ली गोभी कैसे बनकर तैयार होता है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए इसी तरह वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बनाते हैं चिल्ली गोभी। और इसके लिए हमने लिया है एक गोभी का टुकड़ा, छोटा सा लिया है, हम एक पोर्शन बनाएंगे। और इसके साथ एक प्याज, चार हरी मिर्च हमने लिया है यहाँ पे, आप इसे ज़्यादा कम कर सकते हैं, और एक शिमला मिर्च। सबसे पहले हम इस गोभी को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में, पतला पतला टुकड़ों में काट लेंगे, ताकि हम इसका कोटिंग करेंगे और इसे हम सीधा ऑयल में फ्राई करेंगे। हम इसे बॉयल नहीं करेंगे, वो बिल्कुल अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाना चाहिए। तो इसी तरह सारे गोभी को हम कट कर लेंगे और एक बॉल में रख लेते हैं। और इस शिमला मिर्च को भी हम इस तरह से काट लेंगे और इसका हम डाइस कटिंग करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे और इसे भी हम एक बॉल में रख लेते हैं। और इसके साथ हम इस प्याज को भी कट कर लेते हैं। प्याज का भी हम डाइस कटिंग करेंगे और इसे हम इस तरह से अलग अलग कर देंगे, ताकि ये बड़े आसानी से पक सके। और इसे भी एक बॉल में रख लेते हैं। और इसके साथ हम इस हरी मिर्च को बिल्कुल फाइन जूलियन कटिंग काटेंगे, पतला पतला और लंबा कटिंग कर लेंगे। आप इसे किसी भी शेप दे सकते हैं। और इसे एक बॉल में रख लेते हैं। और ये देखिए, इसे कहते हैं फाइन जूलियन कटिंग। तो गोभी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रेडी कर लिया है। और ये रहा डाइस ऑनियन और जूलियन ग्रीन चिली, और डाइस कैप्सिकम को हमने कट करके रेडी कर लिया है। इसके साथ हम लेंगे हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर, और चाइनीज़ सॉल्ट लेंगे अजिनामोटो स्वाद अनुसार, और सादा नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। 1 टीस्पून हम लेंगे सोया सॉस, 1 अंडा हम यूज करेंगे इस पर, और हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर। और ये रहा हमारा हाथ से बनाया हुआ रेड चिल्ली सॉस, और ये टमाटो केचप। तो एक बॉल लेंगे और इस गोभी को बॉल में डाल देंगे, और इस गोभी का हम मैरिनेट कर लेंगे, कोटिंग बना लेंगे। इसके लिए हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, करीबन 1/4 टीस्पून। और इसके साथ हम लेंगे 1/4 टीस्पून अजिनामोटो, और ये रहा वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसके साथ 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, और इसके साथ हम लेंगे रेड चिली सॉस 1/2 टीस्पून। इसमें विनीगर और शुगर एडेड है। और ये रहा टमाटो केचप, इसे 1 टीस्पून लेंगे हम। और इसके साथ हम लेंगे अंडा, अंडा डाल के हम मिलाएंगे, पानी का हम यूज नहीं करेंगे। और इसके साथ हम लेंगे 1 टेबल स्पून भर के मैदा रिफाइंड फ्लोर, और 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च कॉर्न फ्लोर लेंगे बस। और सारे मिश्रण को हम मसाले को गोभी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल बढ़िया सा मिला लेंगे। इधर तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है, अब इसे हम चेक कर लेंगे। एक छोटा सा गोभी का टुकड़ा डालेंगे और देख लेते हैं तेल हमारा गरम हुआ है कि नहीं।
जी बिल्कुल, तेल हमारा रेडी है। अब इस सारे गोभी के पीसेस को हम एक एक करके इस तेल में फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे बिल्कुल स्लो रखेंगे। और सारे गोभी के पीसेस को एक एक करके हम तेल में फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। सारे पीस को एक साथ नहीं डालेंगे ताकि चिपक जाएगा और अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होगा। सारे गोभी को हम डाल देंगे एक एक पीस करके और इसे हम 2 से 3 मिनट इसी तरह स्लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा फ्राई होने लग गया है, पकने लग गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि गोभी हमारा बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट पकना चाहिए। ये देखिए बढ़िया सा बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसे इसी तरह और 2 मिनट पकाएंगे बिल्कुल कलर गोल्डन कलर आने तक। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे थोड़ा हाई कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा गोल्डन कलर बन के गोभी हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे। एक स्ट्रेनर के नीचे हम एक पैन रख देंगे या तो कोई सा भी बर्तन रख देंगे और इस गोभी को हम स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इस बर्तन में स्ट्रेन हो जाएगा। अब हम एक पैन और गरम करेंगे और इसमें हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे गरम होने देते हैं। तेल हमारा बिल्कुल गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चॉप्ड जिंजर और इसके साथ 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक लेंगे और एक बार इसे सॉटे करेंगे और इसमें हम जूलियन ग्रीन चिली डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से जिंजर और गार्लिक का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करेंगे, भुनेंगे। और इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ड्राई मसाला ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो, 1/4 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर और इसके साथ हम लेंगे 1 टेबल स्पून टमाटो केचप और 1 टेबल स्पून सोया सॉस और इसके साथ हम लेंगे हॉट सॉस, चिल्ली सॉस थोड़ा सा डाल लेंगे और इसे हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डाइस कटा हुआ कैप्सिकम और डाइस ऑनियन को डाल देंगे और 1 मिनट तक हम इसे इसी तरह पकाएंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और हम इसमें ऐड कर देंगे गोभी के पकौड़े। और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से मिलाएंगे, हम डब्बू खर्ची नहीं मारेंगे ज़्यादा, इसमें बिल्कुल बढ़िया सा हम इसे मिला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा हमने मिला लिया है और इसके साथ हम 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च में, कॉर्नफ्लोर में 2 टेबल स्पून पानी मिला लिया है और इसे भी हम इसमें डाल देंगे।
ये देखिए इस तरह से डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम में हम इसे बिल्कुल इसी तरह पकाएंगे और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो रखा है चिल्ली गोभी बनकर। थोड़ा सा इसके ऊपर हम हरी धनिया डालेंगे। तो एक पोर्शन बॉल लेते हैं और इसे हम बॉल में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल बढ़िया सा चिल्ली गोभी हमारा बनकर तैयार है। तो दोस्तों इसी तरह ओरिजिनल रेसिपी के साथ आप भी अपने घर पर चिल्ली गोभी एक बार ज़रूर बनाइए और हमारा चैनल तंदूर एंड फ्राई किचन को लाइक कीजिए और हमारा वीडियो पूरा देखिए। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।